तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीजे तुला एक्सपेरिमेंट। आज हम सैफरन ऑडियो की तरफ से 15 इंच प्रोफेशनल स्पीकर लेके आए हैं, जिसका मॉडल नंबर है FX15X450R। इसका यह मॉडल नंबर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ, यहाँ पर अपना जो बॉक्स है इस पर लिखा है फील द पंच, और कुछ यहाँ पर डिटेल दे रखे है जो कि डेट जिस दिन बना था। RMS पावर इसकी 450 है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिटेल दे रखे हैं। तो देरी ना करते हुए इसको अनबॉक्स करते हैं, और यहाँ पर हम प्राइस के बारे में बात करेंगे, और ये स्पीकर लेना चाहिए या नहीं चाहिए आप लोग, जो भी बंदा यूज करता है प्लीज़ प्लीज़ कमेंट भी करें। और यहाँ पर स्पीकर की टेस्टिंग भी होगी, सारा कुछ इस स्पीकर इस मतलब वीडियो में होगा। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर कुछ एक पैकिंग हमने अनबॉक्स कर लिया, और फिर वहाँ पर हमारे को स्पीकर देखने को मिल जाएगा, और कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। सबसे बढ़िया बात मेरे को लगी यहाँ पर कि इसका जो कोन है ना, बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को। और यहाँ पर इसको बॉक्स को मैं कर देता हूँ साइड में, ठीक है, ताकि आपको मैं स्पीकर दिखा सकूँ। तो यहाँ पर इसकी जो चेसिस है वो रेड कलर में देखने को मिल जाएगी आपको। 190 mm इसकी मैग्नेट है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ पॉलीथीन में से निकाल के, कुछ यहाँ पर इस तरीके से हम निकाल देते हैं। तो ये है हमारा स्पीकर जो कि सैफ्रॉन ऑडियो की तरफ से है। मैं आई एम फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, पहले कभी यूज नहीं किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से क्वालिटी, यहाँ पर इसका लोगो देखने को मिल जाएगा, जो कि इसको हटा देते हैं हम साइड में। और टर्मिनल क्वालिटी भी काफ़ी अल्टीमेट देखने को मिल जाएगी। और जो इसका आप लोग देख सकते हैं ना, स्पाइडर बहुत ही स्मूथ है, मतलब बहुत ही जे या नहीं है हार्ड वगैरह। तो इसमें आपको मिड टोन वगैरह, मिड टोन है ना, जो हाई टोन मिड मिड वगैरह आपको बहुत ही बढ़िया आराम से देखने को मिल जाएगी। और कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कॉइल उड़ने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एयर जो है यहाँ पर इन आउट बहुत ही आराम से होगी। इसमें जो वॉइस कॉइल है वो इन आउट लगी हुई है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। 8 ohm का स्पीकर है। यहाँ पर पीछे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दे रखा है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर जूमिंग करना चाहूँगा, जूमिंग करके आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा पास क्लोज लुक दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जो इसकी मैगनेट है वो 190 मैगनेट है, 190। यहाँ पर 3 inch वॉइस कॉयल है, जो कि इन आउट वॉइस कॉयल है। 8 ohm का स्पीकर है। मॉडल नंबर देख सकते हैं जो भी आप है, पावर RMS पावर 400 वाट, ठीक है, मैक्स पावर 900 वाट है इसकी। और यहाँ पर जो मैग्नेट है मेरे को काफ़ी अल्टीमेट लगी, और चेचिस जो है एल्युमिनियम वाइस्केट है। और यहाँ पर पेपर कोन देख सकते हैं आप, पेपर कोन जो मतलब मैं यहाँ पर बजा के दिखाऊँ ना, जो मतलब पट पट मतलब बहुत ही अलग ही आवाज़ आ रही है इसमें, इससे पता लग रहा है कि इसमें मिड बढ़िया आएगी। और यहाँ पर हम करते हैं फिटिंग। तो ये हैं, आप देख सकते हैं कुछ ATI की तरफ से 450, इसका साउंड क्वालिटी अल्टीमेट है। आप लोग यूज करें एक बार, और जो यूज करता है वो मेरे को ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर अभी हम वायरिंग करते हैं। वायरिंग में प्लस प्लस माइनस माइनस करना है आपको, ये 8, ठीक है। तो अभी हम वायरिंग करते हुए दिखा देते हैं आपको, और आपको वायरिंग बैटरी से ज़रूर टेस्टिंग करना है। बैटरी से टेस्टिंग करने से क्या है, प्लस माइनस आपको पता लग जाएगा अगर आप उल्टे लगाते हैं तो। बहुत भाइयों को जो नए हैं, भाई मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो पुराने हैं उनके लिए नहीं, जो नए भाई हैं उनके लिए दिक्कत ये होता है कि वो उल्टे साइड स्पीकर लगाते हैं, जो पोलैरिटी होती है वो बिल्कुल मैच नहीं होती है, स्पीकर की क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो जाती है, ठीक है। एक स्पीकर प्लस चल रहा है, एक स्पीकर माइनस चल रहा है, तो ये स्पीकर क्वालिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा भाई क्या है क्या नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको, यहाँ पर हमने वायरिंग कर दी है, इस स्पीकर को रख देते हैं नीचे साइड में, ठीक है। यहाँ पर अब लगाते हैं अपन दूसरा स्पीकर, इस साइड वाला। तो यहाँ पर दूसरा स्पीकर सिंपली हमें इस तरीके से ही चेक करना है, बिल्कुल टर्मिनल के साइड में लगाना है इस तरीके से, प्लस प्लस माइनस माइनस। ये अपनी 4 ohm की कैबिनेट तैयार हो जाती है, ठीक है। 8 8 ohm बनता है 4 ohm। यहाँ पर हम मैंने ले लिया एक सेल,
जो कि ज़्यादा वोल्ट इसका नहीं है, 3.7 वोल्ट का है, लेकिन इस पर स्पीकर सा प्लस माइनस पता लग जाएगा। हो सकता है वीडियो में नहीं आया हो कि स्पीकर ऊपर की साइड में, अगर आप प्लस प्लस लगा रहे हो माइनस माइनस तो स्पीकर ऊपर की साइड में आना चाहिए, और उल्टे लगा रहे हो तो नीचे साइड में आना चाहिए। ये चीज़ आपको बता देता हूँ, हो सकता है आपको वीडियो में दिख ही ना आ रहा हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा वीडियो में दिख जाए आप लोगों के लिए। कुछ यहाँ पर इस तरीके से मैं दिखाना चाहूँ, देखिए यहाँ पर हम लोग पट पट के आपको आवाज़ आ रही होगी। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट थे जो कि मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। और यहाँ पर आपको जब भी स्पीकर फिटिंग करें तो इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखें, एक बढ़िया से कैबिनेट। तो इस स्पीकर के साथ में आप 550 की तरफ जा सकते हैं और 450 की तरफ भी जा सकते हैं। तो इसमें बेस थोड़ा कम है इस स्पीकर में, और जो बंदा यूज कर रहा है वो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्वालिटी इसकी कैसी लगी, ठीक है। लेकिन जो हमारे हाथ का स्पीकर बना हुआ है उसमें थोड़ा बेस थोड़ा ज़्यादा है। इस स्पीकर में मिड क्वालिटी बहुत ही अल्टीमेट है, तो मतलब बोल सकते हैं कि क्लैरिटी जो है बहुत ही बढ़िया है। मैं यहाँ पर फिटिंग करके आपको टेस्टिंग के लिए एयरफोन का यूज़ ज़रूर करें। हाँ, बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। ये आपको पड़ेगा 5200 से लेके 5500 तक पड़ सकता है आपको, मतलब बोले तो 5200 से लेके 5500 के बीच में ये स्पीकर आपको पड़ जाएगा। और आपको चाहिए तो मैंने नज़दीकी डीलर मतलब कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रखा है यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर डायरेक्टली जाके कॉल कर सकते हैं और ये स्पीकर आपको जहाँ भी ऑल इंडिया मिल जाएगा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए कैबिनेट हमारी दो तैयार हो गई हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। टेस्टिंग के लिए एयरफोन का यूज़ ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। कोटि शंकर अभिषेक अभिषेक।